70 और 80 के दशक में चार्ल्स शोभराज नामक शातिर अपराधी ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। उसकी जिंदगी की कुछ घटनाओं को लेकर प्रवाल रमन ने मैं और चार्ल्स नामक फिल्म बनाई है। सूट बूट पहने, कानून और 14 भाषा का जानकार, अंग्रेजी फिल्मों का शौकीन और फ्रेंच लहजे में अंग्रेजी बोलने वाले चार्ल्स की 30 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी और उसकी ये बातें उसे अन्य चोर उचक्कों से जुदा करती थी। अपने लुक के प्रति इतना सतर्क था कि अखबारों में अपनी पुरानी फ़ोटो देख उसे चिढ़ होती थी और वह अपनी नई फ़ोटो प्रेस के पास पहुंचाने के लिए कहता था। थाईलैंड में कुछ हत्या करने के बाद चार्ल्स को मौत की सजा होती है और वह भागकर गोवा आ पहुंचता है। विदेशी महिलाओं का वह शिकार करता है। अपने सम्मोहक व्यक्तित्व का उपयोग करते हुए वह पहले उनके साथ सोता है और फिर हत्या कर उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है। पासपोर्ट के जरिए वह हर बार अपनी पहचान बदल लेता है। गोवा में उस समय हिप्पी कल्चर का बोलबाला था। ड्रग्स और सेक्स की धुंध में चार्ल्स को अपराध करने में आसानी होती थी। चार्ल्स के पीछे पुलिस ऑफिसर अमोद कांत लगा हुआ है। चूहे बिल्ली का खेल उनके बीच चलता है, लेकिन पूरा खेल चार्ल्स की मर्जी से चलता है। सीरियल किलर, सेक्स, ड्रग्स, हत्याएं और चार्ल्स शोभराज का आकर्षक किरदार एक थ्रिलर फिल्म बनाने के सारे सूत्र लेखक और निर्देशक प्रवाल रमन के हाथों में थे, लेकिन इसका पूरी तरह उपयोग वे नहीं कर पाए। चार्ल्स के जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की उत्सुकता रहती है, लेकिन फिल्म उतनी बातें दिखाती नहीं है। 1986 में चार्ल्स तिहाड़ जेल से भाग निकला था और इसी घटना पर फिल्म को फोकस किया गया है। जेल से निकलने की वह किस तरह योजना बनाता है, अपने आसपास मौजूद लोगों का किस तरह यकीन जीतकर उनमें विश्वास जगाता है और किस तरह से वह घटना को अंजाम देता है, यह फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन चार्ल्स की लाइफ केवल इसी घटना के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। निर्देशक प्रवाल रमन का प्रस्तुतिकरण उलझा हुआ है। उन्होंने पहले सारी घटनाओं को दिखाया है जो क्यों हो रही है, इस बात को उन्होंने छिपाए रखा है और अंत में सारी घटनाओं को जोड़ बताया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा था। दिक्कत की बात यह है कि इस वजह से फिल्म में कंफ्यूजन पैदा हो गया है और वो थ्रिल नदारद है जिसकी तलाश में दर्शक इस तरह की फिल्में देखते हैं। रणदीप हुड्डा फिल्म की जान है। उन्होंने चार्ल्स के आकर्षक व्यक्तित्व को इस तरीके से पेश किया है कि दर्शक भी सम्मोहित हो जाते हैं। हालांकि उनके द्वारा बोले गए कुछ संवाद लहजे के कारण अस्पष्ट हैं। आदिल हुसैन और नंदू माधव की एक्टिंग दमदार है। रिचा चड्ढा का रोल छोटा जरूर है, लेकिन उनकी अदाकारी देखने लायक है। कमियों के बावजूद यदि फिल्म में रुचि बनी रहती है तो ये इसके स्टाइलिश लुक, चार्ल्स के किरदार और रणदीप के अभिनय के कारण। तकनीकी रूप से फिल्म बढ़िया है। प्रवाल रमन की शॉट टेकिंग बेहतरीन है। कैमरा वर्क, लाइट एंड शेडो, कलर स्कीम, बैकग्राउंड म्यूजिक और उम्दा माहौल के कारण मैं और चार्ल्स अच्छी फिल्म होने का आभास कराती है। इस फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 2.5 स्टार।